जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक के अकाउंट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, यानी आप अपने फेसबुक के अकाउंट को हैक होने से किस तरह से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा, आपने ये सेटिंग कर लेनी है ताकि कोई भी आपका फेसबुक का अकाउंट हैक ना कर सके। अगर तो आपने अपने फेसबुक के अकाउंट में ये सेटिंग नहीं की हुई तो इस वीडियो को देख के आप ये सेटिंग ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपका फेसबुक का अकाउंट सिक्योर रहे। तो इस सेटिंग को करने के लिए यहाँ से आप राइट साइड कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ से आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप नीचे देखेंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपने यहाँ से सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे सेटिंग्स, आपने यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे सी मोर इन अकाउंट सेंटर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपने फेसबुक का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपने अपने फेसबुक का पासवर्ड लिख लेना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिकेशन ऐप, टेक्स्ट मैसेज और नीचे आप देखेंगे सिक्योरिटी कीज़। तो यहाँ से आपने दरमियान वाले पे क्लिक कर देना है टेक्स्ट मैसेज, आपने इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने यहाँ पे लिख के नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद जब भी आप अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी कोड के बगैर आप अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कोई भी आपके फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक आप वो ओटीपी कोड सेंड नहीं करेंगे। तो इस तरह से कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं।